तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सा E900 गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू एंड साथ में एक डिस्काउंट कूपन। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर दें। तो वीडियो पसंद को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो कुछ ऐसा आपको बॉक्स देखने को मिलता है एक्सा E900 गेमिंग हेडसेट का। तो ये सपोर्ट करता है PS4 को, Xbox सीरीज को, Nintendo स्विच एंड PC एंड मोबाइल में भी आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 3.5 mm जैक वाला है। तो इसके अंदर आपको 24 मंथ्स की वारंटी देखने को मिल जाती है, बस आपको रजिस्टर करना है exa.net पे, फिर आपकी वारंटी जो हो जाएगी वो 24 मंथ्स की हो जाएगी, मतलब 2 साल की। तो बैक साइड से बात करें तो कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स इसके मेंशन है, जैसे कि 3.5 mm जैक है, 50 mm का इसका ड्राइवर है। अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑफर बताना चाहूंगा। अगर आप कोई भी एक्सा का प्रोडक्ट एक्सा की वेबसाइट से बाय करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कूपन कोड से। आपको कूपन कोड यूज करना है TS15। डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड एंड वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सा का बाय करो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब करते हैं फटाफट अनबॉक्सिंग शुरू। तो सबसे पहले हम छोटा सा पाउच बाहर निकाल लेते हैं, उसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। पहले तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है विंड स्क्रीन जो कि माइक के लिए है। तो ये इसका माइक जो कि 3.5 mm जैक वाला जो कि हमारे हेडसेट में लगेगा। तो ये आप इसका विंड स्क्रीन आगे लगा सकते हैं एंड साउंड टेस्ट भी आपको मैं माइक की करके दिखाऊंगा। एंड ये हमें स्प्लिटर देखने को मिल जाता है अगर आप अपने डेस्कटॉप में यूज करना चाहते हैं जिसमें माइक का एंड ऑडियो जैक अलग अलग होता है तो उसमें यह काम आ सकता है। बाकी कॉम्बो जैक है तो आपको सीधा डायरेक्ट हेडफोन्स लग जाएंगे। एंड साथ में आपको एक छोटा सा गिफ्ट देखने को मिलता है 50 रुपीज का। ये आपको स्टोर में बैग भी मिल सकता है अगर आप अमेजोन पे जाके इसे रेटिंग करते हैं तो। एंड साथ में मिल जाती है यूजर मैनुअल गाइड एंड साथ में हमें एक कार्ड मिल जाता है जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन है कि कौन सी वेबसाइट पे जाकर इसकी वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं एंड कैसे आपको इसका सपोर्ट यूज करना है, सभी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो अब हम निकालते हैं पाउच को बाहर जिसके अंदर हमारे हेडसेट है। तो ये पाउच मिलता है जिसके अंदर हमारे हेडसेट है। तो पाउच की क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो ये लेदर से बना हुआ है एंड क्वालिटी अच्छी है। बाहर एक्सका की ब्रांडिंग है एंड पीछे तरफ से प्लेन है। तो उसे हम ओपन कर लेते हैं, अब थोड़ा निकाल लेते हैं हेडसेट बाहर। तो ये है हमारे हेडसेट, ये आते हैं ब्लैक एंड रेड के कॉम्बो के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे इन्होंने स्टील यूज किया गया है एंड यहाँ पे प्लास्टिक है एंड ऊपर के साथ ये कुशन यूज किया गया है। तो कुशन की क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड इधर भी स्टील यूज किया गया है एंड ये भी पूरा स्टील का उसका फ्रेम बना हुआ है एंड ऊपर एस्का की ब्रांडिंग है एंड अंदर लेफ्ट राइट मेंशन किया गया है एंड इस साइड भी लेफ्ट राइट मेंशन है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। एंड वायर क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो ब्रेडेड केबल तो नहीं है लेकिन रबड़ की कोटिंग की गई है वायर के ऊपर एंड वायर क्वालिटी भी अच्छी है। तो वायर लेंथ की बात करें तो 2 या 3 मीटर की इसकी लेंथ है एंड यहाँ पे आपको आपको कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है जिससे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं एंड माइक ऑन ऑफ का भी बटन है। एंड ईयर कुशन की बात करें तो वो भी अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। एंड इसकी वेट की बात करें तो ये बहुत ही लाइट वेट है, अगर आप ज्यादा टाइम तक गेमिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी हैवीपन फील नहीं होगा, इतने लाइट वेट है ये। तो अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि कैसे इसकी साउंड क्वालिटी एंड इसका माइक भी आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है लेकिन इतनी लाउड नहीं है क्योंकि ये 3.5 mm जैक वाले हैं, USB वाले नहीं है। USB वाले में हमारी साउंड जो होती है ना वो एम्पलीफाई हो जाती है लेकिन इसके अंदर नहीं होती है। तो जितना आपका 3.5 mm जैक आउटपुट देगा उतनी आउटपुट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी साउंड की। तो एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ, आप समझ लो USB वाले हेडसेट की 60% वॉल्यूम एंड इसकी समझ लो 100% वॉल्यूम बिल्कुल सेम होगी, इतनी साउंड का डिफरेंस रहता है दोनों में। क्योंकि जो USB वाले होते हैं उससे USB पोर्ट से करंट भी मिलता है जिसके कारण साउंड एम्पलीफाई हो जाती है। तो जब मैं हेडसेट में म्यूजिक सुनता हूं तो मैं वॉल्यूम रखता हूं 80-90%, जब मैं गेमिंग करता हूं तब भी उसमें वॉल्यूम रखता हूं मैं 80-90%, एंड जब मैं हेडसेट से गेमिंग करता हूं तो मैं वॉल्यूम रखता हूं 40-50%। तो इतना आप डिफरेंस समझ सकते हैं इस फिगर से। एंड बेस की बात करें तो बेस बिल्कुल नॉर्मल आपको देखने को मिलती है, ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बिल्कुल कम है, तो बिल्कुल बैलेंस आपको बेस देखने को मिलेगी क्योंकि गेमिंग हेडफोन्स है तो गेमिंग हेडफोन्स में बेस बिल्कुल नॉर्मल ही होती है। तो अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ उसके साथ माइक, इसका माइक का भी विंडशील्ड लगा लेते हैं एंड उसके बाद फिर आपको मैं सुनाता हूँ इसका माइक का सैंपल। तो बिल्कुल सिंपल ऐसे कनेक्ट करना, लेफ्ट साइड में आपको जैक देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली लगा देना है। तो बिल्कुल ईजी है एंड जैसे मर्जी आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये डिटैचेबल वाला माइक है, कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में जिसमें आपको यूज करना है तो 3.5 mm जैक वाले में लगा देना है आपको। तो बिल्कुल सिंपल है अटैच करना। तो जैसे आप लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे आपको अपना हेडसेट सेलेक्ट कर लेना है। तो डिफॉल्ट पे हेडसेट ही आएगा तो आपको हेडसेट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं लैपटॉप से अब रिकॉर्ड करने वाला हूँ वॉइस।
अब जो आप साउंड सुन रहे हैं वो है एक्सा के E900 गेमिंग हेडसेट की माइक की। तो एक आपके लिए ऑफर है, अगर आप एक्सा इंडिया से कुछ बाय करते हैं, मतलब एक्सा इंडिया की वेबसाइट से कुछ भी बाय करते हैं, कोई भी एक्सा का प्रोडक्ट या हेडसेट, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं TS15। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सा की वेबसाइट का लिंक एंड कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, TS15 है। तो आप यूज करके इंस्टेंट आप 15% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आप एक मोबाइल गेमर है, अगर आपको मोबाइल में यूज करने हैं तो उनके लिए मैं 100% रिकमेंडेड करूंगा ये। अगर आप पीसी में गेमिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कम रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे बेटर चीज आपको मिल जाएगी XA900 Pro। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो पीसी गेमर्स के लिए मैं XA900 Pro ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो USB वाले हैं एंड उसके अंदर 7.1 सराउंड साउंड भी आपको देखने को मिल जाती है। तो स्ट्रीमिंग की बात करें तो स्ट्रीमिंग के लिए भी आपको E900 Pro रिकमेंड करूंगा, ये वाला रिकमेंड नहीं करूंगा स्ट्रीमिंग के लिए। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।